आज के बुलंद हौसले अंक में हम बातें करेंगे हजारीबाग के संतोष कुमार जी का। जी हाँ, इन्होंने तकनीक से किस तरह सफलता हासिल की, कौन सी तकनीक अपनाई और अपने व्यवसाय को कैसे चला रहे हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं और देखते हैं इनका ये सफर। आज की बढ़ती महंगाई के दौर में ये बेहद जरूरी है कि किसान अपने खेतों में कई तरह की फसलें एक साथ उगाएं। ऐसी स्थिति में ही उनकी आमदनी बढ़ सकती है और वे एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है कि थोड़े प्रशिक्षण तथा नई नई तकनीकों के प्रयोग से ये उपलब्धि हासिल की जा सकती है। झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के मंडई ग्राम निवासी संतोष कुशवाहा ऐसे ही किसानों में से एक हैं, जिन्होंने कृषि में समय के साथ हो रहे परिवर्तन को समझा और नई तकनीकों के साथ कदम मिलाकर सफलता की नई इबारत लिख दी। संतोष कुशवाहा भी पहले अन्य किसानों की तरह पारंपरिक खेती किया करते थे और अपने खेतों में धान और गेहूं की फसल उगाते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ उन्होंने अपनी खेती में भी व्यापक बदलाव किए और 2010 से अपने खेतों में सब्जी की भी फसल लगाने लगे और यहीं से उनकी खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन होने का सिलसिला शुरू हो गया और आज उनके खेत में धान और गेहूं के अलावा तरह तरह की सब्जियों की फसलें लहलहाती हैं। पहले तो खेती पुराना विधि से सब करते थे, जैसे धान गेहूं मक्का ही पहले हम यहाँ करते थे। सब्जी तो बाद में हम किए यहाँ पे, जब देखे के भी के गए इसे। सब्जी क्यों नहीं हो रहा था? सब्जी सर पहले नहीं उतना कर पाता था, टमाटर गर्मी में मिलता नहीं था सर यहाँ पे, बरसात में भी टमाटर मिलता नहीं था। अभी तो सारे सब्जी मिल रहा है यहाँ पे। हम लगभग 2010 से हम खेती चालू किए सर, मतलब पहले खेती कर रहे थे लेकिन सिस्टमिक ढंग से हम 2010 से शुरू किए और जागरूकता तब हुआ यहाँ पे, जब एक बार यहाँ पे बहुत बड़ा में बंधा का खेती किए तो यहाँ साइकिल से ही सब ले जाता था मार्केट। और उस समय हम सर पिकअप में भर के 30 क्विंटल बंधा एक बार में काटे 2010 में ही सर, 2010 में। उस बार से यहाँ पे सबको देख के एक जज्बा आ गया कि हम भी करेंगे। संतोष कुशवाहा जब धान और गेहूं पर निर्भर थे उस वक्त उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई थी। घर का गुजारा भी बामुश्किल होता था। घर का खर्च चलाने के लिए इनके पिता को खेती के अलावे मजदूरी भी करनी पड़ती थी। धान और गेहूं में तो खर्चा नहीं होगा क्योंकि उसमें खर्च ज्यादा है और आय बहुत कम है गेहूं और धान में सर। उसके अगर सब्जी नहीं कीजिएगा तो घर नहीं चलेगा, क्योंकि 70 से 75 केजे आपका गेहूं आएगा सर एक कट्ठा में, और अगर हम सब्जी लेते हैं 4 से 5 क्विंटल सब्जी आएगा, समय उतना ही लगेगा सर, खर्च थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आएगा तो आमदनी ज़्यादा इसमें है। तो जब उस समय केवल धान और गेहूं हो रहा था तो आमदनी का जरिया क्या था? उसके अलावा जब खाली खाने भर होता था कि बेच के साथ भर चल जा रहा था? नहीं सर, खाने भर होता था प्लस अपना और जो खर्च है उसके लिए हम लोग बाहर में पिताजी वगैरह काम करते थे, उससे खर्च चलता था। गरीबी के कारण संतोष कुशवाहा ने अपनी पढ़ाई तक पूरी नहीं की। घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इन्होंने कम उम्र में ही खेती की ओर रुख कर लिया था। मैंने हम क्या बोले सर, पढ़ते थे उस टाइम से हमारा एक इच्छा था कि हम खेती ही करेंगे, क्योंकि हमारे घर की स्थिति थोड़ा कम था, आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था सर। पढ़ाई कितना की है? हम 9वां पास हैं सर। नौवां पास हैं और हमारे सबसे बड़े हम हैं घर में। पिताजी का मानसिक स्थिति भी उतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। तुम खेती के ही प्रति रुझान, हमें सब पढ़ाई के दौर में जिम्मेवारी भी आ गई। हाँ, जिम्मेवारी सबसे बड़े हैं हमारे, 5-4 छोटे हैं, तो सोचे ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि 3-3 बहने थे। तब शुरू से ही पढ़ाई के टाइम से हम सोचे हम खेती ही करेंगे, खेती करके ही स्कूल जाते थे सर। और SUPW एक किताब भी था सर 9वां 8वां में, उसमें खेती का ही हम बहुत उसको पूरा रट के ही लिए, खेती शुरू से रुझान था। जब संतोष ने खेती की शुरुआत की तो उन्हें खेती का आधुनिक ज्ञान भी नहीं था और इसकी वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र का दामन थामा और वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इनकी खेती उन्नत बनती चली गई और वो एक संपन्न किसान बन गए। शुरुआती दौर में तो बहुत मुश्किलें आए, बहुत सर, क्योंकि यहाँ पे गाँव, हर गांव में, ये हम अपने गांव की बात नहीं बता रहे,
हर गांव में एक दूसरे को बताने से थोड़ी झिझकता है सर, नहीं बताएगा, क्योंकि हम कर रहे हैं, आप लगा लीजिएगा टमाटर तो मेरा मार्केट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एक के जगह हम दो जाएगा तो रेट गिर जाएगा, ऐसे बहुत किया हमारे पीछे, आपके खेत में नहीं आता देखने के लिए, नहीं बताता। तो उस टाइम सर हम आकाशवाणी सुनते थे, उससे भी आए, उसके बाद जब आकाशवाणी में केभीके के नाम आए तो केभीके की ओर हम भागे, और केभीके जब गए तो सारे वैज्ञानिक बहुत अच्छा, जितना मदद नहीं करना चाहिए ये नहीं बोल रहे, हमको कुछ दे के मदद की, इतना बता के ही ट्रेंड कर दिए ना, ज्ञान दिए कि खुद आकर के अभी हम दूसरे किसान को भी बताते हैं यहाँ पे कि ऐसा करो ऐसा करो, हमें भले कोई नहीं बताता था लेकिन हम उसको जब बताते हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र की ही देन है कि संतोष कुशवाहा एक जागरूक किसान बन पाए, उन्हें खेतों में सही मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग की जानकारी मिली, उन्होंने अपनी भूमि की मिट्टी की जांच कराया और उसके आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करके अपनी भूमि को स्वस्थ बनाया। सब्जी में आए तो कुछ जमीन में भी बदलाव करने का जरूरत पड़ा। हाँ, जमीन में बदलाव करने की जरूरत पड़ा सर, जैसे हम लोग पहले बिना मिट्टी जांच के करते थे, यूरिया अगर हमको डालना है किलो तो देखें फसल पीला पड़ रहा है, सीधा से जानते हैं फसल पीला है यूरिया डालेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि यूरिया के साथ DAP पोटास जिंक सल्फर और कुछ भी डालना है इसमें, हमें पता ही नहीं था ये चीज़। जब मिट्टी के भी खाद के बारे में जानकारी ही नहीं, सिर्फ यूरिया DAP तो बहुत कम ही डालता था लोग, पोटास अभी भी गांव में बहुत कम जानता है, बताते हैं पोटास डालना, पोटास क्या होता है तो उसको बताते हैं लाल वाला खाद जो होता है पोटास होता है, बालू की तरह होता है, तो अब किसान में कुछ जागरूकता आया। तो उस टाइम सर खाद का ही पता नहीं था, मिट्टी जाँच के भी विषय में हम लोग को पता नहीं था, तरीके से गए मिट्टी जाँच करवाए तो हमें पता चला कि हमारा मिट्टी में क्या क्या कमी है। जिस टाइम हम शुरू किए थे सर, हमारा PH था 4.5 आ गया था जमीन का, अभी भी हम रखे हुए हैं, दिखा सकते हैं उसको कार्ड, 4.5-5 के बीच में PH था, लेकिन जब हम सुधार किए तो अभी 6.5 पे लाए सर, जितना होना चाहिए। तो कैसे सुधारे, कैसे चूना डाल, जैसे PH कम है तो चूना जैसे डालना पड़ा हमको, 5 kg पर कट्ठा के हिसाब से चूना डालना पड़ा, हर एक फसल में डालते गए हम चूना, जैसे हर फसल में हम जांच करवाए, ऐसे 3 साल में बोलते हैं कि 3 साल में यू नो हर फसल में कि हमारा कितना सुधरा, जैसे अभी BP शुगर हर महीने सर आप जांच करा रहे हैं, वैसे हम हर फसल में जांच करवा दिए मिट्टी को, और 4-5 साल में पूरा मिट्टी को सुधार दिए, 6.5 भी कर दिए थे सर अभी की रिपोर्ट में। इतना ही नहीं, कृषि विज्ञान केंद्र से संतोष कुशवाहा ने बीज रोपने की आधुनिक विधि भी सीखी और उसे अपने खेतों में अमल भी किया। सही मात्रा और सही तकनीक से बीज बोने के कारण उन्हें बीज की काफी बचत भी हो रही है, निश्चित तौर पर इससे उनकी आमदनी में इजाफा होने लगा है। हम लोग को डिस्टेंस नहीं पता था कि अगर जैसे हमको लगाना है 1 किलो बीज तो हम लोग 1.5 kg भी डाल देते थे, 2 kg भी डाल देते थे, तो वहाँ से पता चला कि निर्धारित कि इतना डालना है हमको, तो वैसे भी हम लोग डाले तो उससे भी तो फायदा हुआ, छीटा मार देते थे हम लोग तो उससे बीज भी खपत ज़्यादा होता था, क्योंकि कुछ बीज ऊपर रह गया कुछ बीज नीचे गया, ऊपर वाला चिड़िया खा जाती थी, कुछ अंकुर सूख गया और नीचे वाला ही निकल पाता था, वैसे बीज ज़्यादा लग गया तो लागत ही ज़्यादा लगा। और हम लोग फिर सिरोर में जब पंक्ति बद हम लोग वहाँ से सीखे तो पंक्ति बद लगाए तो उसमें बीज कम लगा, जनरेशन सही हुआ, दूरी सही हुआ तो उपज भी सही मिला हमको। एक हम मिसाल आपको देना चाहेंगे, जैसे सर 10x10 का रूम होता है सर हमारे घर में, एक जनरल 10x10 का होता है, उसमें 20 आदमी रहते हैं तो कैसा महसूस होगा आपको सर, और उसमें अगर 2 या 3 आदमी रहें तो कैसा महसूस होगा। तो फसल और आदमी में कोई अंतर नहीं, ये बोलता नहीं चलता नहीं, पानी ये भी लेता है, खाना ये भी खाता है, हम भी खाते वही करते हैं, तो दूरी सबके लिए चाहिए, हवा चाहिए, फ्रेश हवा चाहिए, शुद्ध धूप चाहिए, तो दूरी में बोलता है कि दूरी है, खेत खाली हो जाएगा। दूसरा किसान सर अभी टमाटर लगाता है 1000 एक कट्ठा में लगा देता है पौधा, और हमारा 500 से 400 के बीच लगा हुआ है, बोलता है कि लगाने टाइम तो पता ही नहीं चलता खेत है लगा हुआ या नहीं, लेकिन उपज में उससे दोगुना मेरा आ रहा है।
ये कृषि विज्ञान केंद्र की ही देन है कि आज संतोष कुशवाहा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर अपने खेतों को उन्नत बना रहे हैं। चाहे बात मल्चिंग की हो या टपक सिंचाई प्रणाली की, इन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल कर खेती में होने वाली लागत में काफी कमी लाई है और इससे अपना मुनाफा भी संतोष ने बढ़ाया। लेकिन तो यहाँ पे नहीं था, लेकिन सर बताए कि आप चले जाओ मांडू, मांडू में लगाए हैं। आर के सिंह सर के ही नेतृत्व में ये काम हुआ कि भेजे हमको मांडू, मांडू में देखे हम, तो देख के आए तो लगा कि हम थोड़ा लगाएंगे। हम डिटेल ही बता देते आपको। अब एक बार जोत लिए खेत, सर सारा खाद डाल दिए और प्लास्टिक ढक दिए, मल्चिंग, जो मल्चिंग बोलते हैं प्लास्टिक ही है, अब लगा दिए। तो जहाँ हम पौधा लगाए उसी जगह पर हम काटे गिलास से, बाकी चारों साइड घास जो हमारा जो भोजन खींच लेता सर। जैसे मिसाल देते हैं हम कि एक थाली में पांच आदमी बैठ जाते हैं तो पता चला सबका पेट नहीं भरा, थाली भी ख़त्म। वैसे यहाँ हो रहा था, खुला में लगाते तो खरपतवार बहुत ज़्यादा हो गया, उससे हमको सर निकोनी में, कोड़ाई में समय खर्च ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। और उसमें सिर्फ पौधा लगा देना है और पौधे पर एक दो घास जो निकलेगा उसको हटा देना है, तो उससे लागत भी कम आएगा। खाद जो हम डाले अगर तो सिर्फ हमारा पौधा ही पौधा खाया। संतोष कुशवाहा रासायनिक खेती से होने वाले दुष्प्रभावों को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपने खेतों में जैविक विधि से भी उपज लेनी शुरू कर दी है। आज उनके खेतों में गेहूं की फसल जैविक खेती की वजह से लहलहाने लगी है और मिट्टी भी स्वस्थ हो गया है। जैविक अगर किसान नहीं करे तो आने वाला पीढ़ी में खेती लायक जमीन नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व या सूक्ष्म जीवाणु जो होता है वो मरते जा रहा है रासायनिक खाद से, और गोबर या जैविक खाद से वो सूक्ष्म पोषक फिर से हम पनपा सकते हैं अपने खेत में पहले की तरह। जैसे पहले केचुआ बहुत सारा रहता था, लेकिन अभी केचुआ खेत में देखने को नहीं मिलेगा आपको। लेकिन फिर से हम देख रहे हैं हमारा खेत में जब से जैविक में आए हैं केचुआ फिर से वैसा ही आ रहा है। वो इस खेती के माध्यम से हर तरह का खर्च काटने के बाद साल में 50,000 रुपए तक की बचत भी कर ले रहे हैं। उपज आप कुछ कर लीजिए सर, रेट नहीं मिला तो कमाई नहीं हो पाई। उपज के साथ साथ रेट अगर एक औसत रेट जो होना चाहिए वो रह गया तो मान लीजिए खर्च, सारे खर्च काट के आप साल में 50-60,000 रुपये बच जाएगा। सारा टोटल खर्च काट मैंने आपको घर चला के खेत, मैंने पूंजी, खेत, पेट सारा चीज मिला के आपको इतना बच जाएगा। इतना ही नहीं, खेती से जुड़े होने के कारण उन्हें समाज में प्रतिष्ठा भी हासिल हो रही है। किसान मेला में उनके उत्पादों के लिए उन्हें कई दफा पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। प्राइज वगैरह मिला है हमको। किस चीज में? जैसे किसान मेला लगा था उसमें हम अपना उत्पाद ले गए थे वो मिला है। बस केवीके से संरक्षित खेती में हमको एक सर्टिफिकेट मिला है। आज संतोष कुशवाहा का नाम पूरे इलाके में फैला है, लोग उन्हें एक जागरूक किसान के रूप में जानने और पहचानने भी लगे हैं। लोग उनसे खेती की बारीकियां भी सीखते हैं, सलाह भी लेते हैं, और संतोष अपने ज्ञान को अपने ही तक सीमित न रखकर वे लोगों को इससे पूरा लाभ पहुंचाते भी हैं। सर अभी तो सोच तो सबके ऊपर में कि एक जागरूक किसान है, अभी जैसे हम रोड में भी चल जाएंगे तो चलते चलते भी पूछ लेगा दवा के विषय में कि हमारे फसल में ये ऐसा हो रहा है तो जरा बताओ, तो ऐसे भी। और हम कभी झिझक नहीं रखे, देखे खेत में फसल में हाँ कीड़ा लग रहा है तो हम बताते हैं, क्योंकि केवीके ने हमको इतना ज्ञान दे दिया कि क्या तारीफ करें केवीके को। हम खेत खुद किसान को मैंने क्या प्रशिक्षण अभी दे रहे हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र की देन है कि उन्हें तकनीकों की श्रृंखला मिली जिसे अमल में लाकर उन्होंने अपनी खेती को भरपूर उन्नत बनाया और आज वो एक सफल कृषक के रूप में इलाके में स्थापित हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र का तो मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, सारा जो रोल है वो किसान का है। क्योंकि देखिए वैज्ञानिक तो अपना काम हमेशा करते हैं, हम लोग करते रहेंगे, लेकिन जैसा कि हमारे किसान भाई हैं उसमें एक विश्वास जगाना और उनको उस चीज़ को समझना और फिर उसको करना, तो मेहनत किसान की अपनी होती है।
कृषि विज्ञान केंद्र हो चाहे कोई भी कृषि के वैज्ञानिक हो, उन सबका काम हमेशा होता है कि किसानों को या जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको नई चीज़ों को बताना। अब जैसे कि अभी हम इस खेत में हैं, सबसे पहले तो हम ये बता दें आपको कि अभी आप देख रहे हैं अभी रबी का सीज़न हमारा चल रहा है और झारखंड में जैसा कि डेटा है 10-12%, 13% से ज़्यादा रबी में फसलें नहीं होती हैं। गेहूं तो है ही नहीं, कहीं मटर चना आपको दिखाई दे जाएगा, मसूर दिखाई दे जाएगी, थोड़ा बहुत सरसों दिखाई देगी, लेकिन वो भी 5-10% दिखाई देती है। लेकिन अब किसान भाई हमारे पास जब आते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र ने जो इनको दिया, जो आपका प्रश्न है उसका मैं बहुत सीधे जवाब दे दूँ, कृषि विज्ञान केंद्र ने इनको कुछ नहीं दिया, सिर्फ इनको ट्रिक बताई कि देखो बाबू पानी कम है उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, बरसात को हम ला नहीं सकते हैं, है ना, आपके यहाँ ट्यूबवेल में खुदवा नहीं सकता हूँ क्योंकि खुलवाएंगे दुनिया भर का रूल है कि सब ग्राउंड वाटर के लिए लाइसेंस लो ये लो। अब हमको क्या करना है कि जो इस समय परिस्थिति है उसी में हमको रास्ता निकालना है। रास्ता हमने क्या निकाला है कि आप लोग जो है ना समय का प्रबंधन करो, फसल को जैसे ही खरीफ कटती है तुरंत आप रबी फसल में ले जाओ, खरीफ की नमी को उसमें इस्तेमाल कर लो। दूसरा चीज़ ये है कि आप प्लास्टिक कल्चर पे चले जाओ, मल्चिंग में चले जाओ, दूसरी जल प्रबंधन की तकनीकी, तीसरा आप ड्रिप इरीगेशन कर लो, चौथा आप जो है कम पानी वाली फसलें लगा लो, पांचवा आप ऐसी फसलें लगा लो जिनकी वैल्यू ज़्यादा हो, हाई वैल्यू क्रॉप कर लो, है ना। और सबसे अधिक बात यह है कि जो नई वैरायटीज़ और नई टेक्निक्स जो आ रही हैं उनको आप ये कर लो, जैसे कि कहीं कहीं इन्होंने मैकेनाइजेशन किया, कहीं पे इन्होंने अमृत जल का इस्तेमाल किया। तो देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो खेती की लागत को घटाना और खेती के कृषि उत्पाद का उत्पादन को बढ़ाना और नमी का पानी का प्रबंधन, ये कृषि विज्ञान केंद्र ने इनको दिया। आज जमाना जैसे जैसे आगे बढ़ता है ज्ञान विज्ञान में भी उसी तरह से आशातीत प्रगति होती रहती है। जो लोग बदलते जमाने के साथ अपने को ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों से सुसज्जित करते रहते हैं उनका जीवन भी उतना ही उन्नत होता है। संतोष कुशवाहा ने जमाने से जो ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियां हासिल की उसे जानने की तथा अपने खेतों में उसका उपयोग करने की भरपूर कोशिश की है। यही वजह है कि उनके खेतों में नई तकनीकों का समावेश हो पाया है और आज वो कामयाबी का झंडा पूरे इलाके में गाड़ने में सफल हो पाए हैं। आज इलाके के लोग उनसे प्रेरणा भी हासिल करते हैं और प्रगति के पथ पर संतोष और उनका इलाका अग्रसर हो गया है। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले आप फटाफट निकालिए कॉपी और कलम और हमारा ये पता नोट करें ताकि आज का ये अंक आपको कैसा लगा ये आप हमें जरूर लिख भेजे। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 8340001। लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है वन वन, अच्छा लग रहा है आपका घर आंगन, इस खुशियों का होना कभी अंत, इसी दुआ के साथ और इसी खुशी के साथ मैं नमिता और हमारी पूरी दूरदर्शन टीम आपसे विदा लेते हैं। जोहार।